अंबानी परिवार की खूबसूरत शादी, खूबसूरत दुल्हा दुल्हन बेटे और बहू के साथ मुकेश अंबानी, ये बोला जाता है अपने धर्म संस्कृति और धरोहर को बचाते हुए शादी करना, ये है अपना संस्कृति और कल्चर। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मेरे न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। तो देख सकते हैं दोस्तों, पूरे साधु संत और अपनी संस्कृति और धरोहर को बचाते हुए कितने अच्छे से अपनी संस्कृति और अपने कल्चर को अपनाते हुए ये शादी हो रहा है। कितने बढ़िया से मर्यादा से पूरा स्वागत हो रहा है साधु संतों का। खुद नीता अंबानी अपने हाथों से कर रही है और इतने पैसे होने के बाद भी, इतने बड़े क्या बोले रईस होने के बाद भी, सभी को निमंत्रण दे करके साधु संतों का स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। उसके बाद जितने फिल्मी स्टार है सभी को बुलाए हैं, देश विदेश के नेतागण को बुलाए हैं, खुद प्रधानमंत्री मोदी जी को भी बुलाए हैं। हो सकता है तो कुछ क्षण के बाद में मैं मोदी जी का भी डाल सकती हूँ वीडियो। तो ये देखिए कितनी बढ़िया से और राम भजन के साथ ये पूरा शादी हो रहा है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अद्भुत और माने मर्यादा को रखते हुए कितनी बढ़िया से हो रही है शादी। और सभी आशीर्वाद ले रहे हैं, इनको ये बाबा जी आशीर्वाद के रूप में चादर ओढ़ा रहे हैं। अद्भुत है, अदृश्य है, अलौकिक है, ऐसे ही शादी होना चाहिए। और अपने संस्कृति को बचा कर रखिए, सबसे ही हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ। इतने बड़े होने के बाद अपने संस्कृति धरोहर को ये नहीं छोड़ रहे हैं, अब बहुत ही अच्छी बात है, ऐसे ही होना चाहिए सबकी शादी। बहुत लोग अपने मर्यादा संस्कृति को भूल जाते हैं, परंतु अंबानी जी है जरूर बताइएगा और ढेर सारा प्यार दुलार दीजिएगा। तो अब क्या बोले, और देख सकते हैं दोस्तों यहाँ वरमाला हो रही है तो हंसी मजाक चल रहा है और अपनी संस्कृति धरोहर को कर रहे हैं। यहाँ भी हंसी मजाक में सब दोस्त लोग इनको उठा लिए हैं, इनके बेटे को, और उसके बाद से माला को, जयमाल को कराया जा रहा है। इसमें सॉन्ग बज रहा था मंगल भवन अमंगलकारी, परंतु थोड़ा सा यूट्यूब में दिक्कत हो जाती है गाना के चलते, सॉन्ग के चलते, इसलिए मैंने उसको हटा दिया है। और बहुत ही अच्छा लग रहा था, मंगल भवन अमंगल भारी, दशरथ जी का, सीता जी का, राम जी का भजन हो रहा है और बहुत ही अच्छा अदृश्य अलौकिक ये सीन है। कितना बढ़िया ये लग रहा है ना, कि आप छोटे हो या बड़े हो या आपका गरीब हो या अमीर हो, इससे कोई बात नहीं है। अपनी संस्कृति को कभी नहीं भूलना चाहिए, अपने संस्कृति में ही रहकर शादी करना चाहिए। नहीं कि बहुत बड़े हो गए तो हम अपने संस्कृति को भूल जाएँ, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। और देखिए मैं यहाँ अभी कटहल कौन कौन जानते हैं, जो फल होता है एक बहुत ही अच्छा, और इसको मैं निकाल रही हूँ, इसको निकाल करके, और फिर इसका कुआ बोला जाता है इसको, जो लोग खाते होंगे उन लोगों को पता होगा। बहुत ही अद्भुत ये भी फल है कटहल का और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो कौन कौन इसको खाया है ज़रूर बताइएगा, और हम लोग खाते हैं, हम लोग को बहुत अच्छा टेस्ट लगता है। इसका सब्ज़ी भी बनता है और इसका फल भी अभी ख़रीद के आया है फल, क्योंकि गांव में हम लोग रहते थे तो घर में होता था, यहाँ तो अब शहर है तो इसलिए हम लोग को ख़रीद के लाना पड़ता है। बहुत ही टेस्टी लगता है, अगर आप लोग नहीं खाए होंगे तो खा के देखिएगा, कटहल इसका नाम है। आजकल के सीज़न में बहुत ही अच्छा ही, मतलब पेट भी साफ़ करता है और बहुत ही टेस्टी भी होता है, खाना चाहिए सभी को। इसका गाना भी हम लोग गाते हैं शादी ब्याह में, कि सावन मासे समधि का है नयाइले कटहर के अधिकारी जी आहो, कटहर के अधिकारी जी। ये गाली गाया जाता है शादी में, कटहल का सीजन में समधी लोग को गाया जाता है, जो बेटे को या बेटी का जो ससुर होते हैं, पापा होते हैं, उन लोगों को समधन लोग गाती है गाना मजाक के तौर पर, और मजाक का रिश्ता होता है समधी से, इसलिए अब बहुत ही टेस्टी लगता है, तो वो लोग गाना गाती है। और एक और गाया जाता है इसका गाना, कटहर के कुआ तू खैला रे, कटहर के कैला तू खैला, तो मुटका मुआड़वा का होई हो, मुटका मुआड़वा का होई, कटहर के कुआ तू खैला ता मुटका मुआड़वा का होई। इसे मुहड़ी भी होता है, इसका सब्जी बनता है। अभी देखिए हस्बैंड निकाल रहे हैं कोआ खाने के लिए। हाँ, मेरे घर सभी को टेस्टी लगता है, सभी को बहुत ही पसंद है कटहर, मेरे को भी बहुत पसंद है। और ये देखिए निकाल निकाल रखा हुआ है तो हम लोग खाएंगे अभी, इसका बीज निकाल कर धो कर रखेंगे, फिर सब्जी बनाएंगे उसको या पका करके खाएंगे, तो बहुत ही टेस्टी बीज भी लगता है इसका। कौन कौन खाया है टेस्ट में बताइएगा, और कमेंट में भी बताइएगा किसके किसको पसंद है, किसके किसके यहाँ होता है। हमारे यहाँ गाँव में होता है बिहार में, परंतु झारखंड में रहते हैं, यहाँ भी होता है, परंतु मेरा यहाँ अपना नहीं है ना, इसलिए हम लोग खरीद के खाते हैं।
और बिहार में बहुत ज़्यादा ये होता है और हर जगह होता है, पता नहीं कहाँ कहाँ होता है इतना मालूम नहीं है, और हर देश में अलग अलग भाषा में इसको बोला जाता होगा। और मेरे यहाँ इसको कटहल बोला जाता है, कटहल का कुआ बोला जाता है। और सब्जी सब्जी जो होता है ना, कच्चा जब रहता है तो सब्जी बनता है, सब्जी भी बहुत ही टेस्टी बनता है, इसका कोफ्ता बनता है, सब्जी बनता है। और यहाँ मैं खाना का तैयारी अब कर लूँगी क्योंकि कटहल को निकाल दिया गया है, कटहल भी खाएँगे हम लोग, खाना भी बना के खाएँगे, जैसे रोटी चावल सब चीज़ बनाएँगे, और एक कटहल भी है तो कटहल भी खाएँगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। आप लोग भी आइए, हम क्या कर सकते हैं, इसी में खा लीजिए आप लोग भी टेस्टी टेस्टी कटहल का कुआ। और मैं अभी खाना का तैयारी कर रही हूँ, तो देखिए अभी कटहल खाओ लेते हैं फिर हम लोग खाना का, अभी रुकिए देखिए। तो अभी मैं यहाँ चावल चढ़ा दी हूँ, और चावल चढ़ा करके और फिर मैं इधर आओ देखिए क्या क्या कर लेती हूँ। चावल चढ़ा दी हूँ और यहाँ पकौड़ा के लिए काट ली हूँ बैंगन, और इधर चावल भी भिंगा दी हूँ, तो चावल भिंगा दी हूँ और बैंगन भी उधर काट लिए हैं। फिर इसको नहीं, दाल बैठाए हैं, दाल चावल हम बोल दिए गलती से, दाल इसमें बैठाए हैं, दाल को उतार लेंगे फिर इसको इसमें बैठाएंगे चावल। तो देखिए बैंगन का काट लिए हैं और फिर इसको हम बना करके, और आलू भी काट लिए हैं, और फिर इसमें हम सब्जी बनाएंगे, और सब्जी बना करके फिर आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए आलू भी भिंगो लिए हैं इधर, आलू काट के भिंगो लिए हैं इधर, और बैंगन भी काट लिए हैं, चावल भी मेरा तैयार हो जाएगा, फिर सब्जी भी तैयार हो जाएगा। और उसके बाद से देखते हैं रोटी थोड़ा सा बना लेंगे, नहीं होगा तो कि रोटी चावल सब्जी दाल सब खा लेंगे। चावल बैठा दिए, देख सकते हैं आप लोग, चावल को बैठा दिए हूँ, और आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए, टेस्टी टेस्टी दाल चावल कटहल रोटी सब्जी सब कुछ। यहाँ दाल भी मेरा बन गया है, और दाल भी आप लोग आ सकते हैं खाने के लिए। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को, इधर छौंक लगा रही हूँ दाल का, तो इधर देखिए मिर्चा लहसुन प्याज सब कुछ काट करके कलछी में या कढ़ाई में किसी चीज़ में छौंक लगा देते हैं, तो इसको मैं छौंक लगा ले रही हूँ, जला रही हूँ इसको तड़का के लिए दाल में। अब इसको छौंक लगा लूँगी और फिर इसके बाद से फिर अभी देखते हैं क्या करते हैं। अब छौंक लग गया मेरा दाल का, और दाल देखिए बन गया बहुत अच्छा से, दाल छौंक दी हूँ। अभी इधर सब्जी का छौंक लगा रही हूँ, तो सब्जी छौंक दूँगी, और फिर इधर देखिए मैं अभी मिर्चा और लहसुन को डाल देती हूँ, और डाल करके फिर प्याज डाल दूँगी, और उसके बाद फिर सब्ज़ी को छौंक लगा दूँगी। तो प्याज भी मैं डाल दी, अब इसको चला करके सुनहरा कर लूँगी, और कर करके फिर इसमें सब्ज़ी डाल करके बना लूँगी सब्ज़ी। तो फिर आप लोगों को भी आना पड़ेगा खाने, क्योंकि ये बन रहा है आप लोगों के लिए, हमारे लिए, मेरे परिवार के लिए, तो आप लोग भी मेरा परिवार है, इसलिए इसमें बहुत ही टेस्टी बनता है। इसको पहले आलू डाल के भून लेंगे, उसके बाद से बैंगन डालेंगे, तो बैंगन डाल करके और फिर इसको भूनेंगे, फिर मसाला डाल देंगे, नमक हल्दी सब डाल देंगे, और थोड़ा देर सिझा देंगे, तो फिर मेरा सब्ज़ी तैयार हो जाएगा। तो इसको मैं चला ले रही हूँ, भून ले रही हूँ आलू को, और देखिए इसको भी भून लूँगी, उसके बाद से फिर और सब का प्रोसेस मैं कर लेती हूँ। देख सकते हैं आप, और देखिए आलू मेरा भुना रहा है, और थोड़ी देर में इसमें बैंगन अभी डाल रही हूँ, और डाल करके फिर इसको चला लूँगी, और उसके बाद से सब मसाले नमक हल्दी सब कुछ को ऐड कर दूँगी, और फिर तैयार हो जाएगा मेरा टेस्टी टेस्टी सब्जी। तो कैसा आप लोगों को लग रहा है, फीलिंग बताइए, टेस्ट बताइए, और कैसा ये दिखने में कैसा लग रहा है ये भी बता दीजिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आप लोगों से पूछना, मेरे परिवार है तो आप लोगों से पूछना मेरे को ज़रूरी है, क्योंकि कैसा लग रहा है आप लोगों को। तो और सब सुनाइए आप लोग कैसे हैं, और मेरा दाल इधर तैयार हो गया, देखिए छौंक लगा दी हूँ, अभी दाल मेरा तैयार हो गया है बहुत अच्छा से, और इसको ढक देती हूँ। फिर इधर मेरा चावल बन रहा है, सब्जी भी बन रहा है, तो अभी इधर भी छौंक लगा रही हूँ दूसरा सब्जी, वो सब्जी बैंगन और आलू का था, और यहाँ सब्जी मैं बना रही हूँ कटहल का, तो देख सकते हैं यहाँ छौंक लगा रही हूँ, और फिर इसको छौंक लगा करके इसमें भी प्याज लहसुन मिर्चा सब कुछ डाली हूँ, देख सकते हैं इसको भी सुनहरा भून लूँगी, उसके बाद से इसको भी मैं अपना बना लूँगी। तो देखते हैं जल्दी जल्दी बना रहे हैं, क्योंकि देखिए इधर कटहल काट के रखे हैं, और ये कटहल जो कुआ हम निकाले थे उसका नहीं है, ये दूसरा कटहल ही कच्चा था, तो इसका सब्जी बना रही हूँ, तो ये भी बहुत टेस्टी बनता है सब्जी, तो देख सकते हैं। और बस इधर चावल चढ़ा है, तो दोनों काम हो जाएगा साथ साथ में।
भुजिया दाल भात भुजिया जिसको खाना है वो आ जाए। तो आप लोग बने रहिए और मैं बना लेती हूँ जल्दी जल्दी फटाफट, तो आप लोग भी आकर खा लीजिए, है ना, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ सब्जी मेरा ये भी रेडी हो जाएगा और उसके बाद से फिर आप लोगों को खिलाऊंगी, मैं खाऊंगी, सभी लोग खाएंगे। देखिए मेरा कटहल का सब्ज़ी अब बनकर रेडी हो जाएगा तुरंत, इसमें टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा क्योंकि ये ना तुरंत सिझ जा। और यहाँ मैं बना ले रही हूँ रोटी थोड़ी सी, ताकि हम लोग दाल चावल सब्ज़ी के साथ थोड़ी सी रोटी भी खा लेंगे दो दो को करके, कि अच्छा लगता है कि थोड़ी दो रोटी भी खाना चाहिए। तो इधर रोटी भी मैं सेक ले रही हूँ, तो आप लोग भी आ जाइए खाने, सब कुछ रेडी हो गया मेरा और अब सिर्फ खाना है। तो बनाओ खाओ और क्या करना है, और जो काम होगा वो करेंगे। तो आप लोग भी आइए टेस्टी टेस्टी रोटी खाने। और मेरा रोटी बन के अब रेडी हो गया, मैं सफाई कर ले रही हूँ, फिर पोंछ दूँगी पोंछ करके, और उसके बाद से नहाना धोना होगा, अपने जो भी काम होगा कुछ खाया जाएगा। तो बने रहिए आप लोग, ऐसे ही हम हमेशा लाते रहेंगे आप लोगों के लिए छोटे छोटे ब्लॉग। और सफाई कर लेते हैं तब तक आप लोग, और मिलते रहेंगे आप लोगों के साथ छोटे छोटे ब्लॉग लाइव लेकर के या वीडियो लेकर के। तो तब तक अपना ख्याल रखिए आप लोग। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।